गुड मॉर्निंग गाइस, अभी अभी लगभग 5:30 बजे हम ट्रेन से नीचे उतर गए हैं। बाकी मैं और सुमन अभी उतर गए हैं, मम्मी भाई आ रहे हैं और बाकी लोग उतर के आगे चले गए हैं। तो अपने लोगों को ढूंढ लेते हैं। और टेम्परेचर यहाँ पर ठंड लग रही है और सिम सारी बंद हो गई है, नो सिग्नल है। देखते हैं अभी सिम लेनी पड़ेगी या क्या। ब्लॉग भी अपलोड करना है, अभी तक ब्लॉग भी नहीं डाला मैंने। यहाँ पे वाईफाई भी नहीं शायद रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहीं होटल रेस्टोरेंट कहीं जाएंगे, अगर वाईफाई वहाँ मिला तो फिर मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ। तुम्हें नहीं लग रही ठंड? ठंड हो गई भाई, अभी पहने नहीं किसी ने, जूही ने पहन लिया। ये पहन कर आए थे, अभी पहन आई है। चलो चलते हैं फिर, चलते जाओ चलते जाओ। जय माता दी करते जाओ, जय माता की, जय माता दी। तो गाइस हमारी यात्रा पर्ची मिल गई है। 5:30 बजे लगभग हम यहाँ स्टेशन पर उतर गए थे और आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर नंबर आ गया है। गाइस यहाँ चेकिंग से बाहर निकलते ही नज़ारा देखो, मम्मी ने तो हाथ जोड़ लिए बाहर निकलते। ये मोमोज कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस ये कैब बुक करी है हमने, हमारी आधी फैमिली इसके अंदर बैठ गई है। ये देखो मुझे शक्ल दिखाई नहीं दे रही ढंग से, आंटी और बुआ लोग इसमें बैठ गए हैं और छोटी बुआ जी इसमें बैठ गए हैं, है ना। अब चलते हैं अपनी दूसरी गाड़ी के अंदर। मुझे कंफर्म नहीं है बट मुझे लगता है कि लगभग 520 रुपये के अंदर ये दो कैब हमने बुक करी है, 7 सीटर। ये दूसरी टवेरा हमारी, ऊपर जी आगे सेट हो गए हैं, ऊपर दिख रहे हैं टिंग। पीछे कौन है? अच्छा बैठो बैठो, मैं आ जाऊंगा इसमें। चार आ जाएंगे आगे, 20-40 रुपये। तो गाइस अब उतर गए हैं, कैब से उतर के जा रहे हैं, रूम के लिए जा रहे हैं। रूम तो गाइस ये निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर डोरमेट्री है जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। तो गाइस हमें ये डोरमेट्री मिली है, देखिए अभी तो यहाँ पर लोग सो रहे हैं। जो हमें स्पेस मिला है वो है इस तरफ, बंकर बेड्स लगे हुए ना यहाँ पे, तो ये बेड्स हमें मिल गए हैं। सो जाओ बच्चे, बेड मिल गया तुम्हें, सो जाओ। अपन लोग सब यहाँ पे आ गए हैं, रेडी वगैरह हो गए हैं। जिन्होंने कपड़े चेंज करने कपड़े चेंज कर लिए, जिन्होंने कपड़े चेंज नहीं करे वो ये सब कर रहे हैं। एक दूसरे को टच अपना लगे, ओ बस इसका तो हो गया, मुंह धोते इसका नहाने का मन कर गया। ऊपर नहीं, ऊपर चल गया नहाएंगे, ठीक है। तो ये डोर मैट ट्रेन नीचे, अभी कुछ खाएंगे, छोटे पापा जी आए नहीं, उनका वेट कर रहे हैं, तो मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस डोर मैट ट्रेन छोड़ने से पहले हम लोग एक बार ब्रेकफास्ट चल रहा है हमारा अभी, देख रहे हो 56 भोग लगे हुए अभी इतने सारे। नहीं नहीं नहीं, पापा जी ने अकेले खाया, लग तो ऐसे रहा है। और छोटे पापा जी भी आ गए हैं, अब तुम्हारे बोनस बढ़ जाएंगे। ओ तेरी, आपने बोल दिया तो बढ़ ही जाएंगे। अब कौन सा सिल्वर? सिल्वर चलो आपके द्वारा ही तो जरूर आएगी। अब नीचे जा रहे हैं, नीचे रेस्टोरेंट में देखने के लिए, बच्चे कह रहे साउथ इंडियन फूड खाएंगे। क्योंकि गाइस बढ़िया धूप निकल गई है तो जैकेट तो मुझे लग रहा है अब शाम को ही पहनेंगे, बट कैरी करके ले आनी पड़ेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन कस्टम टेस्ट करके बता भाई। हाँ पहली बार में ही, पहले में ये और दूसरे में ठीक है। चाय पी लो, मतलब सही है। तो गाइस रेस्टोरेंट की चाय पसंद नहीं आई है, इसने पैसे खराब करा दिए सारे, इसकी चॉइस थी। तो अब आए ढाबे पे बाहर, जूही ने पार्टी दी थी ना इस। हाँ ठीक है। ऐसा मजा आ गया, क्या बात है। गाइस अब हम ऑटो स्टैंड पे आ गए हैं और यहाँ पे देखो बर्गर किंग भी है,
मैंने सुना डोमिनोज भी है लेकिन कहाँ पर है डोमिनोज ये नहीं पता। ऑटो स्टैंड पे ऑटो का वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी। ऑटो कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो हम ऑटो में बैठे हैं, सवारी वाले चार लोग बैठ गए हैं, चार ऑटो में बुक कर रहे हैं। हम जा रहे हैं नए वाले रास्ते पे जहाँ से फिर हम चढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसे ही है ना? तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मुझे भी लो मिलके बोलो जय माता दी। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, फिर वहां से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। It don't matter where we go, it don't matter where we stay tonight. गाइज़ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए वाले रास्ते से ही चढ़ाई करें क्योंकि ये बड़ा और खुला है और यहाँ पर भीड़ कम है फिलहाल। जय माता दी, पीछे वाले, जय माता दी। ये हमारे ग्रुप के दो यंगेस्ट मैन यूथ चल रहे हैं गाइज़ धीरे धीरे सभी। दुनिया से दूर जा रहा हूँ, मां मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये छोटी सी मार्केट पड़ी है नए वाले रास्ते पे, शिव शक्ति स्वीट्स एंड ऑल द शॉप्स। आप इतनी आगे जा रहे हो, नजर ही नहीं आ रहे हो। यहाँ अगर कुछ लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो यात्रा कंटिन्यू कीजिए। मस्त भी आ रहा है गाइस इतनी ऊंचाई से। इस नए वाले रूट पे मैकडॉनल्ड्स भी है, मैंने भी अभी नोटिस किया है तो, और वो भी बिना लहसुन प्याज का खाना बकायदा लिखा हुआ है यहाँ पे। जिनका मैकडॉनल्ड्स फेवरेट है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। चल रहे हैं धीरे धीरे, छोटे वाले फूफा जी के पैर में क्रैम्प आ रहा है, बार बार वो चल नहीं पा रहे हैं इसलिए बाकी लोग काफ़ी आगे निकल गए। गाइज ये बालकनी टाइप बना रखी है नए वाले रूट पे, वैष्णो देवी की तो चढ़ाई है और नीचे व्यू देखो यार, सॉलिड व्यू आ रहा है, रियर कैमरे से दिखाया था, बहुत जबरदस्त। तो गाइज काफ़ी चलने के बाद अब हम इस लोकेशन पर आए हैं। ये है लंगर लिखा है यहाँ पे, बाकी कोई नाम तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ऐसे गेट बना हुआ है। नीचे ऐसी वाटिका बन रही थी ना, ऐसे ये भी बना हुआ है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो इतनी चढ़ाई करने के बाद। दिखाता हूँ मैं कैसे जगह, ये एंट्रेंस है और यहाँ से ऐसे एंट्रेंस करके स्टेयर्स है। हमारे बाकी के जो लोग हैं टीम के सारे वहाँ बैठे हुए हैं वो छप्पर के नीचे। ज़्यादा घूम हो गया दिख गए, क्या मस्त है ना। अभी हम ये सब पहाड़ चढ़ के ऊपर इन पर रास्ते बने हुए हैं और फिर इस पहाड़ के बैकग्राउंड में पड़ेगा माता वैष्णो देवी जी का मंदिर। सारे यहाँ बैठे हैं, फाउंटेन को देख के चिल कर रहे हैं, तो क्लिक कर लेते हैं फटाफट से बढ़िया सी। अच्छा इधर देखो सारे जल्दी से। तो गाइज अब चलते हैं लंगर खाने के लिए, यहाँ पर लंगर की सुविधा उपलब्ध है, मतलब बिल्कुल फ्री खाना। आधे लोग किधर चले गए, तो चलो चलकर लंगर खाते हैं। गाइस मेरे को यहाँ की सारी जो फैसिलिटीज थी इतनी बढ़िया थी। लाइन में लग के यहाँ से लंगर ले रहे सब, चलो एक एक ग्लास और एक एक चम्मच बस। आ जाए लंगर में कड़ी और चावल, दाल चावल है, दाल चावल है जो भी है जय माता दी। तो गाइस ये है आज की हमारी थाली। तो गाइस मस्त अपना खाना खा लिया है, एक गिलास किसी और का बट ले चलते हैं। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, खाना ले लिया है, बैग रखे जा जी। अब ये है अपने आप से आपको बर्तन अपने साफ करके रख, कृपया झूठा भोजन ना छोड़ें। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है और अपने बर्तन अपने आप माँज के रखें। यहाँ हो रही है ना सेल्फ सर्विस, देखो चलो हम भी अपने बर्तन माँज के रख देते हैं। तो गाइस मस्त अपने बर्तन धो दिए मैंने, पीछे लाइन देख रहे हो,
तीन स्टेप्स के अंदर इजी आपको अपने बर्तन खुद धोकर यहाँ पर रखने हैं, यही सेवा है। और अच्छा लगा, बाकी आइए आप भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस कीजिए। ये जो नया वाला रास्ता बना है ना ऊपर माता के दरबार में दर्शन करने के लिए, ये सब आपको वहीं देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, अभी तो आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे हम। ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस, अर्थ कुंवारी आने वाला है, यहाँ से दो रास्ते डिवाइड हो गए हैं अलग अलग, चलते हैं। 5.5 किलोमीटर के आसपास तो माता का भवन रह गया है, बट अर्ध कुंवारी आने वाला है, कुछ ही मीटर है शायद, 100-200 मीटर। चलते हैं और आगे, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चलते हैं अर्ध कुंवारी। मुझे लगा नहीं था, जैसे मम्मी के पैरों में प्रॉब्लम है ना अब चलने फिरने की, कि मम्मी इतने अच्छे से चढ़ाई कर लेंगी, बट माता का आशीर्वाद है, मम्मी की श्रद्धा है, मम्मी आ गई हैं। अभी अर्ध कुंवारी तक हम आ गए हैं, बाकी आगे की जर्नी उम्मीद करूँगा और ऐसे ही रहे। मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। और फ्लोरिंग बहुत बढ़िया हुई भी यहाँ पे, बाकी लोग आगे निकल गए हैं, मैं, मम्मी और भाई, हम ही लोग पीछे रह गए हैं, शायद आगे बैठे हुए हैं लोग। बुआ फूफा बैठे इधर। पहुंच गए भाई, बहुत अच्छी तरह। बुआ ये बैठी, बुआ कह रही व्यू देखो। आगे अंदर होके जा रहे हैं। Where is the young boy? This is अर्ध कुंवारी गुफा। ओ क्या व्यू है भाई साहब, मस्त। तो गाइस, सुरंग से निकलने के बाद ये है अर्ध कुंवारी टेम्पल, और गुफा के दर्शन करने के लिए 36 घंटे की वेटिंग चल रही है, तो मुझे लग रहा है गुफा के दर्शन तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मे भी आगे यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता हूँ। बाकी भीड़ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की हो रही है, देखो। तो गाइस, वेटिंग बहुत ज्यादा थी गर्भजून गुफा की, तो अब हम जा रहे हैं माता के भवन, उसी गेट से रिवर्स होके, मालिक ना माता का भवन का रास्ता ही है, और पीछे वो गर्भजून गुफा का रास्ता था, बट वेटिंग 36 घंटे की आने की। तो गाइस, अब हम आ गए हैं हिमकोटी, तो यहाँ पर है डोसा पॉइंट हिमकोटी का, और सामने है भोजनालय, तो वहीं पर हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी हमने ऑर्डर कर दिया है डोसा, आधे से ले गए हैं, बाकी हम बना रहे हैं, तो बढ़िया है खाना। यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से अब जो द्वार है माता का कुछ ही किलोमीटर रह गए मेरे हिसाब से, 1 से 1.5 किलोमीटर, मुझे पता नहीं है, तो उससे पहले कुछ खा लेते हैं, ऊपर चल के फिर रेस्ट करेंगे, नहा धो के फिर माता के दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे। फिलहाल तो यही प्लान है मुझे लगता है, बाकी देखते हैं। गाइस, इधर चल रही है डोसा पार्टी, अपना भी डोसा आगे लाए, खाते हैं फिर बताते हैं। जगारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। गाइस, हम भवन पहुंच गए हैं, सभी के सभी शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। गाइस, इस ब्लॉग का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिख देना, करिए आपको ब्लॉग पसंद आता है तो।